सुप्रभात बच्चों, मैं संजय सिंगल लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर जानसठोर मुजफ्फरनगर से। कैसे हैं आप बच्चों? आज आपका टॉपिक कक्षा षष्ठ के लिए चुंबक का रहेगा। अच्छा, आप बताइए चुंबक किसे कहते हैं? आपने टेप रिकॉर्ड, रेडियो, ट्रांजिस्टर में कुछ टूटे हुए भागों को देखा होगा जो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, चुंबक कहलाते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाएंगे? चुंबकीय पदार्थ। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, लोहे से बनी सुई, आलपिन, बोर्डपिन आदि। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उनको क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जैसे रबड़, प्लास्टिक, पीतल, तांबा, कागज, कपड़ा आदि। अजय, आप चुंबक तो किसे कहेंगे? चुंबक द्वारा लोहे से बनी वस्तुओं को जो अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, वो चुंबकत्व है। तो चुंबकत्व क्या है? चुंबक जिस गुण के कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के क्षेत्र किसे कहेंगे? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है चुंबक के क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव महसूस होता है, अनुभव होता है, वो चुंबक के क्षेत्र कहलाता है। किसी चालक तार या इससे बनी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर आप देखते हैं आसपास उसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये जो हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं किसको कहते हैं? दरअसल 2500 वर्ष पूर्व यूनान देश के लोग एक काले पत्थर का जादू दिखाया करते थे। वे उस काले पत्थर को उसके गुरुत्व केंद्र से, मध्य बिंदु से स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते थे और वह बार बार एक निश्चित दिशा में रुक जाता था। उसका एक सिरा उत्तर दिशा की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रुक जाता था। चुंबक के इस दिशा बताने वाले गुण को उन्होंने लीडस्टोन कहा। क्योंकि ये चुंबक प्राकृतिक रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाया गया, इसलिए प्राकृतिक चुंबक कहलाया। इसे उन्होंने मैग्नेट नाम दिया। शक्तिशाली चुंबक किसके बनाए जाते हैं बच्चों? निकिल, कोबाल्ट से हम स्थायी चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण स्थायी रहता है वे स्थायी चुंबक कहलाते हैं और वे शक्तिशाली होते हैं। 1800 वर्ष पूर्व चीन देश के लोगों ने चुंबक के इस गुण का प्रयोग करके चुंबकीय कंपास, जिस समुद्री कंपास कहते हैं, उसकी खोज की। उससे उन्हें क्या लाभ हुआ? व्यापार के क्षेत्र में नई क्रांति आई और समुद्र में उन्हें दिशा का पता लगता रहता था। अच्छा, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं कोई बच्चा बताइए? अब आते हैं हम चुंबक के प्रकार पर।
चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार की होती है, नंबर एक प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक की आकृति निश्चित नहीं होती है, इन्हें अपनी इच्छा अनुसार आकृतियों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और ये कम शक्तिशाली होते हैं, इनमें चुंबकत्व का गुण कम होता है। दूसरी प्रकार की चुंबक है कृत्रिम चुंबक। किसे कहेंगे कृत्रिम चुंबक? मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव से जो निर्मित होती है, मानव जो बनाता है चुंबक, उसको हम क्या कहें? कृत्रिम चुंबक करेंगे। इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, इन्हें विभिन्न आकृतियां दे सकते हैं। स्टील, कोबाल्ट आदि से हम कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं जो शक्तिशाली होती है। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार की होती है, नंबर एक स्थायी चुंबक, इस प्रकार की चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है। स्थायी चुंबकों में चुंबकत्व का गुण स्थायी रहता है। ये शक्तिशाली चुंबक होती हैं जो निकिल, कोबाल्ट आदि से बनाई जाती हैं। ये भी चार प्रकार की होती है। नंबर एक दंड चुंबक, ये दंड चुंबक होती है। ये कैसी होती है भाई? बेलनाकार भी होती है और आयताकार भी होती है। और नाल चुंबक, ये घोड़े के नाल जैसी आकार की होती है, अंग्रेजी में यू अक्षर के आकार की होती है। नंबर तीन है चुंबकीय सुई, ये सुई के आकार की होती है। इसके एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दूसरे सिरे पर दक्षिण ध्रुव होता है।
अगर ये क्षितिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है चुंबकीय सुई। नंबर चार है चुंबकीय कंपास, यह भी चुंबकीय सुई है एक प्रकार की, एक डिब्बी में बंद रहती है और उस डिब्बी में ऊपर की ओर कांच की प्लेट लगी रहती है। कृत्रिम चुंबकों में ही दूसरी प्रकार की चुंबक है स्थायी चुंबक। इस प्रकार की चुंबकों में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं होता है, ये शक्तिशाली चुंबक नहीं होती है। यदि हम एक नरम लोहे की छड़ पर एक चालक तार को लपेट दें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह चुंबक बन जाती है, और इस प्रकार बनी चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के बारे में एक बार फिर समझ लें, क्या बताया, यदि हमने एक नरम लोहे की छड़ पर एक चालक तार लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो इस प्रकार बनी चुंबक विद्युत चुंबक कहलाती है। इसका आकार भी यू के आकार की होती है। यदि एक नरम लोहे की छड़ पर चालक तार लपेट कर उसमें विद्युत धारा की जाए तो वह चुंबक बन जाती है। इस प्रकार बनी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार बनी चुंबक को इस प्रकार बनी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यह यू आकार की होती है। चित्र के माध्यम समझ लें, आपने एक लोहे की कील ली और इस पर एक चालक तार लपेट दिया, उसका एक सिरा सुसेल की टोपी ऊपर के सिरे से टच
कर दिया, स्पर्श करा दिया, दूसरे वाला नीचे से इसका इस प्रकार संबंध बना लिया। तो थोड़ी देर बाद आप देखिए कि जो कील है ये चुंबकित हो जाती है, यह लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसका चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यदि एक नरम लोहे की छड़ पर हम चालक तार लपेट दें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, एक चुंबक बन जाती है। इस प्रकार चुंबक बनी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबक के गुण बताइए। नंबर एक, चुंबक की चुंबकीय शक्ति इसके ध्रुवों पर अधिक होती है। यदि आप लोहे या लोहे से बनी वस्तु को चुंबक के पास ले जाएं तो सबसे अधिक लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं इसके दोनों ध्रुवों पर चिपक जाती हैं, क्योंकि इसके दोनों ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है। नंबर दो है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम लटका दें इसके गुरुत्व केंद्र से तो इसका एक सिरा उत्तरी दिशा में और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। जो सिरा उत्तर दिशा में स्थिर हो जाता है उसके उस सिरे पर N लिखा होता है, N ध्रुव होता है वो, और जो सिरा दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है उसके सिरे पर S लिखा होता है, वो दक्षिण ध्रुव होता है। नंबर तीन है, चुंबक लोहे अथवा लोहे से बनी वस्तु अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक में गुण क्या है कि लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी कारण से हम स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की भी पहचान कर सकते हैं कि वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं।
विद्युत चुंबक का उपयोग आप कहाँ देखते हैं? विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी बनाने में और लाउड स्पीकर में इस्तेमाल होता है। विद्युत चुंबक का दूसरा उपयोग कहाँ देखते हैं? विद्युत मोटर स्कूटर और विद्युत मोटर में डायनमो के निर्माण करने में इस्तेमाल होता है। नंबर तीन, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ देखते हैं आप? कल कारखानों में लोहे या लोहे से बने सामान या इस्पात आदि के भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को उठाने में आप देखते हैं। और विद्युत चुंबक का उपयोग आप जब शरीर में घाव या फिर आँख में लोहे के कण पड़ जाते हैं तो चुंबक से उनको हटाया जा सकता है। डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं। चुंबक का रख रखाव किस प्रकार किया जा सकता है? नंबर एक तो यह है कि चुंबक को ना तो ठोके ना पीटे और ना ही ऊंचाई से गिराएं, नहीं तो उसका चुंबक तो गुण खत्म हो जाता है। नंबर दो, पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ न रखें। दूसरी बात यह है, जब आप चुंबकों के पास रखते हैं जो उनके समान ध्रुव होते हैं, अगर उनको आप साथ साथ रखते हैं तो उनका चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा ना करें। चुंबक को गर्म भी नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, चुंबक को गर्म ना करें, उसका चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाता है। नंबर चार, दो चुंबकों को आपस में न रगड़ें और न ही विपरीत दिशा में घर्षण करें, नहीं तो उनका चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाएगा। बच्चों, जो चीज़ें आज हमने बताई हैं इनका आपको अभ्यास करना है। एक नज़र चार्ट पर भी देखें, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल आदि। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा आदि। ये आप विभिन्न आकृतियां देख रहे हैं। पहले प्रकार की जो आकृति वो दंड चुंबक है। दंड चुंबक में दो तरह की चुंबक आती हैं, एक आयताकार और एक बेलनाकार चुंबक। दूसरी है नाल चुंबक, जो हम अभी बता रहे थे आपको, ये घोड़े की नाल की आकार की होती है, अंग्रेजी में यू के आकार की होती है। तीसरे, चुंबकीय कंपास या सुई की भांति होती है, इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर स्थिर हो जाता है और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। जो सिरा उत्तर सिरा में स्थिर हो जाता है उस पर N लिखा होता है उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है उस पर S लिखा होता है।
अगर हम एक चुंबक को बीच में से तोड़ दें तो क्या उसके ध्रुव अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। चुंबक को अगर उसके बीच से आप तोड़ दें तो उसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते। जब आप लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को उस टूटे हुए भाग को उसके पास लेके जाते हैं तो लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं उसके दोनों ध्रुवों पर चिपक जाती हैं, क्योंकि उनके ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षण सबसे अधिक होता है, चुंबक तो उन सबसे अधिक होता है। तो चुंबक को तोड़ने के बाद में भी उसके ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक का सही परीक्षण क्या है? अगर आपने एक दंड चुंबक को लिया और एक छड़ लोहे की छड़ को लिया, उस पर कपड़ा लपेट दिया और आप उन दोनों को एक दंड चुंबक के पास में चुंबक के पास लेके जाते हैं तो क्या देखते हैं? कि चुंबक, जो छड़ चुंबक के पास ले जाई गई उसके दोनों सिरे चिपक जाते हैं, और जो दंड चुंबक के पास दूसरी चुंबक ले जाई जाती है तो उसका एन सिरे को हटाता है, यानी उत्तरी ध्रुव को हटाता है और नॉर्थ वाला भाग दक्षिण वाले भाग को, यानी नॉर्थ जिस पर एन लिखा होता है और दूसरे भाग पर एस लिखा होता है उससे चिपक जाता है। तो यहाँ लोहे की छड़ को आपने देखा कि उसके दोनों सिरे चिपक जाते हैं दंड चुंबक से, जबकि दूसरी चुंबक के दोनों सिरे उस दंड चुंबक से नहीं चिपकते। कारण, क्योंकि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को हटाते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।